पीछे जो मैजिक कॉर्नर है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लगा के दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से इसको लगाया जाता है। और ये हमारा हेडिस कंपनी का एस कॉर्नर है, उसको मैं लगा के आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और इसको कैसे फिटिंग किया जाता है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलते हैं वीडियो में। दोस्तों ये जो बॉक्स है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कार्गोमैन सॉफ्ट क्लोज जो एस कॉर्नर रहता है, कोई लोग मैजिक कॉर्नर भी बोलते हैं, वो हमारा मॉड्यूलर किचन जो रहता है उसके अंदर जो एल शेप का कॉर्नर रहता है उसके अंदर का जो स्पेस यूज़ करने के लिए जो हमारा है एस कॉर्नर, जैसे कि आपको दिखा दो यहाँ पे हमारा ये लगने वाला है, जो अंदर का स्पेस आपको यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये आप एस कॉर्नर लगा सकते हैं। और इसका जो लगाने का जो पूरा प्रोसेस है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। YouTube पे बहुत कम वीडियो रहेंगे जैसे कि हैटिक कंपनी का जो है एस कॉर्नर लगाने का पूरा तरीका बताया हुआ है, और बहुत सारी कंपनी है उसका वीडियो बनाया हुआ है, बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन हैटिक कंपनी का बहुत कम वीडियो आपको मिलेगा। आज मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से इसको फिटिंग किया जाता है। दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा ये सारी फिटिंग मिलेगी, मैं आपको आगे दिखाऊँगा प्रैक्टिकल करके भी किस प्रकार से इसको सारी फिटिंग को लगाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे ये जो फिटिंग लगेगा ये हमारा वर्टिकल जो रहेगा उसके साइड में लगेंगी, ये दो फिटिंग आएगी, जैसे कि दो हमारे जो बास्केट रहेंगे, दो बास्केट रहेंगे, एक ऊपर लगेगा एक नीचे लगेगा, तो ये दोनों के लिए अलग अलग आपको फिटिंग मिलेगी। और इसके अंदर जैसे कि ये रेलिंग मिलेगा, ये काफ़ी अलग फिटिंग है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसकी जो रेलिंग के ऊपर ही हमारा ये एस कॉर्नर जो है मैं जो हमारा बास्केट है वो चलने वाला है, तो प्रॉपर मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी फिटिंग, और इसके अंदर आपको हाइड्रोलिक भी मिलेगा, हाइड्रोलिक की जो फिटिंग है वो भी मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे स्क्रू वगैरह सब इसमें दिया रहता है, तो अलग से आपको स्क्रू वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इसके प्राइस के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूले, इससे क्या होगा जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो अब चलते हैं, जैसे कि यह देख रही फर्मा आपको साथ में मिलेगा तो आपको काम और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये फर्मा प्रॉपर आपको जहाँ पर आपको एस कॉर्नर लगाना है वहाँ पर रखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खाँचा वगैरह सब दिया हुआ है वर्टिकल का, तो इस प्रकार से इजी है, जैसे कि ये मार्किंग किया रहता है पहले से ही फर्मे के हिसाब से ये रेलिंग हमारा लगेगा, तो यहाँ पे ये मार्किंग करके मैं आपको प्रॉपर फिटिंग करके भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप वीडियो कहीं पे भी स्किप नहीं करना, तो प्रॉपर आपको समझ में नहीं आएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको पूछना है तो नीचे मुझे बिंदास कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपको पूरी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे जैसे कि नीचे की साइड में ये हमारा रेलिंग लगेगा, उसके ऊपर ही हमारा ये हमारा जो मैजिक कॉर्नर जो एस कॉर्नर रहता है वो लगेगा, जैसे बाद दो बास्केट आपको इसके अंदर मिलेंगी एस वाली, तो इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कैसी जो इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है इसमें। और ये हैटिंग कंपनी है जैसे कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप यूज़ में ले सकते हैं, अगर आपको एल शेप में अगर आपका जो स्पेस है वो यूज़ करना है तो एस कॉर्नर लगा सकते हैं। और इस प्रकार से ही इसके अंदर आपको मिलेगा, जैसे कि अगर गाइड आपको चाहिए तो इस प्रकार से इसमें देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वीडियो देखने के बाद में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों बहुत जो नए कारपेंटर है भाई लोगों को लगाना नहीं आता है, तो उनको भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, आप शेयर ज़रूर करें, शेयर करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो नए कारपेंटर है जिसको इसके बारे में समझ नहीं है, लगाना नहीं आ रहा है, तो नए कारपेंटर है उसको तो इजी से ये लगा लेंगे, वो जो भी इसके साथ में फर्मा वगैरह आता है तो देख के लगा सकते हैं, लेकिन जो नए कारपेंटर है उनके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ और इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो देख के आप लगा सकते हैं। तो आप अपने ग्रुप में और अपने कारपेंटर भाइयों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करना। और जैसे कि देख सकते हैं ये दो आपको एस कॉर्नर मिलेंगे और इसका फिनिशिंग वगैरह देख सकते हैं, रेलिंग वगैरह ऊपर का काफ़ी अच्छा और ये सारी फिटिंग है, जैसे कि मैं आगे आपको लगा के दिखाता हूँ। तो चलिए और इसको कैसे लगाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक नीचे का सो है एस कॉर्नर लगा दिया है, तो वही स्टेप आपको ऊपर के साइड में करना है और नीचे के साइड में, तो पूरा सेम टू सेम प्रोसेस है। और ये दोस्तों जैसे कि जो कॉर्नर है हमारा वो आप जैसे कि दूसरे ब्रांड में रहता है कि आपको लेफ्ट साइड का लाना है या राइट साइड का लाना है, इस साइड में अगर लगेगा तो राइट साइड का लगता है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, तो ये फर्मे यही फर्मा आपका दोनों साइड में काम आएगा और ये सारी फिटिंग आपको दोनों साइड में ही काम आएगी, लेफ्ट का और राइट का दोनों में यूज़ होता है, तो ये रेलिंग हमारा उल्टा और सीधा दोनों साइड में लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फर्मा है वो हमने रखा और पूरा जो मार्किंग दिया हुआ जो हॉल दिया हुआ लेफ्ट साइड जैसे कि आप देख रहे हैं, तो पूरा मार्किंग मैंने कर लिया है, मार्किंग करने के बाद में आपको हॉल वगैरह जो भी है हॉल वगैरह गिराने के बाद में आपको इसको फिटिंग करना है। जो हमारा रेलिंग नीचे की साइड में आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक का जो रेलिंग है उसके अंदर भी पूरे सारे हॉल वगैरह दिए हुए, तो वो स्क्रू आप पूरे सारे स्क्रू भर लेने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये सारा हमारा। और ये जो वर्टिकल आपको देना जरूरी है ये वाली फिटिंग में,
अगर आपकी दूसरी फिटिंग है तो उसके लिए आपको साइड में पाइप लगता है, उसके अलग प्रोसेस रहता है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पे ये नीचे की साइड पीछे से आपको इसको अंदर के रखना है, और ये हमारा साइड में एक आगे की साइड में एक आपको ये फिटिंग मिलेगा, और इसको लगाना ज़रूरी है। जैसे कि जो एस कॉर्नर हमारा है ये बाहर नहीं निकलेगा इससे, तो इसको रुकने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आके रुक जाएगा हमारा एस कॉर्नर। इस प्रकार से ये फिटिंग रहता है, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो मैजिक कॉर्नर है हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये बाहर ज़्यादा नहीं आएगा, उसके आने के बाद में यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये हमारा कोई फिटिंग नहीं है दोस्तों, ये मार्किंग के लिए फरमा दिया रहता है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसके अंदर सारे हॉल वगैरह आपको करना है तो वो मार्किंग करके आप कर सकते हैं। ये वाला जो फिटिंग लगाने के लिए हमारा फरमा दिया रहता है, तो ये फरमा जैसे हम लोग आपको दिखा देता हूँ इस प्रकार से, ऐसे इसमें हॉल वगैरह सब दिया रहता है, तो इस प्रकार से आपको पूरा मार्किंग करके हॉल वगैरह गिरा लेना है, और दो हॉल आपको ज़्यादा बड़े गिराने पड़ेंगे, जो इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं वो बाहर निकला हुआ है, तो उसको अंदर रख के फिर आपको जो मार्किंग करना है वो मार्किंग करके हॉल वगैरह गिरा देना है, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में शेयर भी ज़रूर करना, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। दोस्तों अभी मैंने किचन का वीडियो डाला था, जैसे कि अगर आपको जो टैंडम बॉक्स आता है नहीं लगाना आता है, कैसे लगाया जाता है, पूरी जानकारी मैंने दिया उस वीडियो में, उसका लिंक मैं आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर आप चेकआउट जरूर करना। अगर आपको टैंडम बॉक्स लगाना सीखना है तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, नई कारपेंटर भाई के लिए मैंने बनाया हुआ है, तो प्रॉपर वीडियो में बताया हुआ है किस प्रकार से वो लगाया जाता है। तो पूरा ये हमारा मार्किंग वगैरह हो गया है, और ये बड़े से हॉल में हम लोग दो हॉल आपको बड़े करना है, जैसे कि आपको पूरा फरमा में दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको मार्किंग करके पूरा हॉल वगैरह कर लेना है। और यहाँ पे मैं प्रॉपर आपको फिटिंग करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों, वीडियो को आपको पूरा प्रॉपर देखना है तो प्रॉपर आपको समझ में आएगा। और इसका जो स्पेस रखना है, जैसे कि आपका डोर है दोस्तों, इसका जो साइज़ रखना है, जैसे तो ये इसका साइज़ दिया होता है 450 mm का और 18 इंच का, लेकिन आप 18 से ज़्यादा रख सकते हैं इसका स्पेस, और 19 इंच का आप रख सकते हैं, तो पूरा ये हमारा काम में आ जाएगा, पूरा प्रॉपर लगेगा फिटिंग इसका। इस प्रकार से ये फिटिंग कर दिया दोस्तों मैंने, और हमारा ये स्पेस ज़्यादा रखा हुआ है, मैंने 20 इंच का स्पेस रखा हुआ है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा होने की वजह से मैंने यहाँ पे स्पेस ज़्यादा रखा हुआ है, तो आप 18 इंच ही से ऊपर रख सकते हैं या 18 इंच भी रख सकते थे, ये आपका मैजिक कॉर्नर प्रॉपर लग जाएगा। इस प्रकार से ये इसके अंदर ये वाला ऊपर का जो फिटिंग है ये इसके ऊपर जैसे पुश करना है तो ये बैठ जाएगा, और इसके नीचे ये हाइड्रोलिक फिटिंग के लिए आपको पहले से ही इसके हॉल वगैरह दिए रहते हैं, तो ये वाला फिटिंग आपको यहाँ पे फिक्स करना है दोस्तों। आप देखते हैं इस प्रकार से ये फिटिंग दोनों साइड में रहता है, अगर आपको लेफ्ट साइड में लगा तो लेफ्ट साइड में लगेगा, राइट साइड में तो राइट साइड में लगेगा, इस प्रकार से इसको फिटिंग कर लेना है दोस्तों। और ये हमारा हाइड्रोलिक फिटिंग के लिए रहता है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोलिक लगने वाला है, तो इसका जो राड है वो बाहर के साइड में लगेगा और ये वाला भाग अंदर के साइड में लगेगा, तो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा लगाने के बाद में भी। और ये हमारा जो फिटिंग है इसके ऊपर लगेगा, तो इसके अंदर हमारा जो मैजिक कॉर्नर रहता है वो उसके अंदर ही बैठेगा, जैसे कि मैं आपको बैठा के दिखाऊंगा। और इसके मैजिक कॉर्नर जो हमारा जो बास्केट रहता है उसके नीचे भी एक हाइड्रोलिक लगाने के लिए उसका फिटिंग रहेगा, वो भी आपको मैं लगा के दिखाऊंगा, तो वो भी आपको लगाना ज़रूरी है। उसका भी मार्किंग वगैरह जैसे कि आप देख रहे हैं ये मार्किंग किया हुआ रहता है पहले से ही, तो आपको मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्या कहाँ पर बिठेगा वो कंपनी से ही पहले से ही दिया रहता है कि आपको यहाँ पे बिठाना है, यहाँ पे फिटिंग करना है। तो ये दोनों बास्केट के नीचे रहता है, तो आपको इस प्रकार से इसके स्क्रू वगैरह सब साथ में दिया रहता है, तो आपको ये प्रॉपर इसके साथ में फिटिंग करना है। तो ये प्लाई का बेस रहता है नीचे के साइड में, तो इसके ऊपर ये फिटिंग हो जाएगा हमारा, जैसे कि जो हाइड्रोलिक पम्प है वो गैस पम्प हमारा यहाँ पर लगेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट हो गया, अभी हम इसको लगा के आपको दिखाएंगे। तो ये वाला इस प्रकार से लगाना आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एस वाला कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है वो इस प्रकार से बाहर रखना है और ये वाला अंदर रखना है, तो आप देखना प्रॉपर इस प्रकार से ही लगाना है। और जो हम लोगों ने रेलिंग अंदर डाला हुआ है उसके अंदर ही हॉल दिया हुआ है, तो वो उसको आपको इसके अंदर डाल देना है और इसके पुश करेंगे तो ये पूरा फिटिंग हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, कुछ सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, इस प्रकार से आप वीडियो देखेंगे तो प्रॉपर समझ में आपको आ जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस रहता है वो हाइड्रोलिक लगाने का, इसको भी फिटिंग कर लेना दोस्तों, जो हमारा बास्केट इससे बाहर नहीं आएगा, तो वो आपको जो फिटिंग दिया रहता है वो फिटिंग आपको लगाना है अनिवार्य, जैसे कि आप देख रहे हैं आगे, आप इससे आगे लगाना ज़रूरी है, जैसे कि इसके आगे लगाएंगे तो ये बाहर नहीं आएगा। इस प्रकार से ये हमारा जो मैजिक कॉर्नर है वो लग के कम्प्लीट हो गया, अभी हाइड्रोलिक आपको मैं लगा के दिखाऊँगा। और इसको जैसे कि राड का जो भाग है ये वाला जो है वो बाहर के साइड में आपको रखना है, और पीछे से हम लोग इसको पुश करेंगे तो ये फिटिंग हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आपको इसको फिटिंग कर लेना दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं। और दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारा कैप रहता है उसके साथ में वो आपको लगाना ज़रूरी है। ये नहीं लगाएंगे तो आपको ये प्रॉपर काम में नहीं करेगा। और ये जो आगे के साइड में जो भाग है वो आगे के साइड में और पीछे के साइड में इस प्रकार से आपको राइट में ही लगाना है। तो ये अंदर बाहर होगा तो वो उसके अंदर ही आपका जो हाइड्रोलिक है वो चलेगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा मैजिक कॉर्नर लग के पूरा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं हमारा दोनों मैजिक कॉर्नर मैंने लगा के आपको दिखाया इस प्रकार से। और ये आपको वर्टिकल देना ज़रूरी है। और ये फिनिशिंग आप देख सकते हैं हाइटेक कंपनी का काफ़ी अच्छा फिनिशिंग है। नीचे की साइड से भी आपको दिखा देता हूँ इस प्रकार से हम लोगों ने ये सारी फिटिंग लगाई हुई है। और हाइड्रोलिक आप देख सकते हैं इस प्रकार से ही आपको लगाना है ये कैप वगैरह सारा। तो ये हमारा इस प्रकार से मैजिक कॉर्नर पूरा लग के कंप्लीट हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपको यहाँ पे गैप भी मिल जाएगा, तो दरवाज़ा आने के बाद में भी आपको ये एस कॉर्नर लगेगा नहीं। तो इस प्रकार से आपको प्रॉपर लगाना है दोस्तों, ऐसे इसको लगाया जाता है दोस्तों। पूरा प्रॉपर तरीका मैंने आपको बताया। और अगर आपको यही जो है एस कॉर्नर आपको राइट साइड में लगाना है तो यही कॉर्नर आप लगा सकते हैं राइट साइड में। जैसे कि इसको फर्मे को उल्टा करना है, उल्टा करेंगे तो ये हमारा जैसे कि आप देख सकते हैं ये फर्मा राइट साइड में भी आप यूज में ले सकते हो। पूरा सारा फिटिंग आपको इस प्रकार से ही लगाना है, यही फिटिंग आपको काम में आ जाएगा। तो इस प्रकार से राइट साइड में भी लगा सकते हैं इस फर्मे को यूज़ करके। तो इस प्रकार से ये सारा प्रोसेस था दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर।